बिहार शिक्षा विभाग ने 1,10,000 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र अभी तक निगरानी को नहीं सौंपे जाने को लेकर जिलों पर नाराजगी व्यक्त की है। इस बाबत विभाग ने जिलों से सभी प्रमाण पत्र तलब किया है। गौरतलब हो कि पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी द्वारा जाँच 5 साल से की जा रही है। 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों में 1,10,000 के संबंधित प्रमाण पत्र ही निगरानी को नहीं मिले हैं। इस कारण जाँच अधूरी है। विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र निगरानी के नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं और 23 दिसंबर तक हर हाल में इसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। शिक्षा विभाग ने कहा कि पंचायत और प्रखंड नियोजन इकाई के सदस्य सचिवों और निगरानी विभाग के प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के साथ शिक्षा विभाग के जिला और प्रखंड के अधिकारी अविलंब संयुक्त बैठक करें। प्रमाण पत्रों की जांच मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में 9 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। 4 दिनों पहले इस मामले पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया और आखिरी मौका दिया है। बता दें कि लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। दायर याचिका में कहा गया था कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बड़ी संख्या में शिक्षकों का नियोजन हुआ है।